Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is factorizer and generalizer. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे कास्ट काउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि हमारे पास ये डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, फैक्ट्री ऑर्डर की बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कास्ट जो है वो अहम नुकता, एक अहम पॉइंट रखती है, क्योंकि कॉस्ट जो है हमारे प्रोडक्शन की एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमें कोई भी प्रोडक्शन लेने के लिए हमें कॉस्ट को लाजमी, उसके बारे में हमें लाजमी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हमारी कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट वसूल को मिलानी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट रेशो मुनासिब हो। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे पास, हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि कॉस्ट साइकिल के बारे में आज बात करेंगे। हमारे पास जब हम फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर जो बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट साइकिल क्या चीज है, या हमारे पास कॉस्ट साइकिल है कि कॉस्ट साइकिल क्या है, कि कॉस्ट हमारी कहां से शुरू होती है और कहां की खत्म हो जाती है, और फिर दोबारा कहां से शुरू होती है और फिर दोबारा कहां के कंप्लीट होती है कॉस्ट का सर्कल जो होता है। डियर स्टूडेंट, हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट का साइकिल जो होता है वो कैसे कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट, ये देखिए कि हमारे पास ये कॉस्ट साइकिल है, तो हम कॉस्ट साइकिल की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं, किस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट होती हैं जो कि हम प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास अकर होती हैं। डियर स्टूडेंट, देखिएगा हमारे पास ये चंद एक हमारे पास जनरल एंटिटीज हैं जो कि डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड, जो मटेरियल से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है। तो इसके अंदर आज हम जो मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कॉस्ट साइकिल के अंदर सिर्फ मटेरियल कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे मटेरियल के अंदर जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो भी मटीरियल के रिलेटेड एंटिटीज हैं, वो स्टूडेंट को क्लियर हो जाए, वो स्टूडेंट को समझ आ जाए। तो इसके बाद हम फिर दूसरा पैरों के बारे में बात करेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो मटेरियल कॉस्ट के बारे में है, कि हम मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास मटेरियल कॉस्ट जो है वो कौन कौन सी, किस किस तरीके से हम उसकी जनरल एंट्रियां पास करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम ये देखेंगे हमारे पास दो किस्म के मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है और उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। अब इस दोनों मटेरियल के अंदर एक फर्क है, वो कौन सा फर्क है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि डायरेक्ट मटेरियल जो होता है उसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोडक्शन, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि एक हमारा मटेरियल जो है वो फॉर इश्यू फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि डायरेक्ट मटेरियल फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक वुड है, वुड एक लकड़ी है, वो क्या है, वुड फॉर फर्नीचर, कि लकड़ी से हम फर्नीचर तैयार करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर हम आगे देखते हैं कि आयरन फॉर फैन, कि आयरन फॉर फैन है कि जब हम कोई फैन तैयार करके उसके लिए हमें आयरन की जरूरत है, तो फिर उसके अंदर ये देखते हैं कि लेदर फॉर शूज, कि जब हम कोई शूज तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें लेदर की जरूरत है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम फिर देखते हैं कि व्हीट फॉर फ्लोर, कि जब हम आटा तैयार करेंगे उसके लिए हमें गंदम की जरूरत है। तो ये इस प्रोडक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए, शूज के लिए, हमारे पास फ्लोर के लिए, ये डायरेक्ट हमारे पास मटेरियल हम यूज करते हैं, कि सपोज हम क्या करते हैं, एरन यूज करते हैं, हम वुड यूज करते हैं, हम व्हीट यूज करते हैं, हम लेदर यूज करते हैं, ये इन प्रोडक्शन के लिए हमारा डायरेक्ट मटीरियल है। डियर स्टूडेंट, फिर इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास इनडायरेक्ट मटीरियल, हम फिर ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं कि एक रेंट है, रेंट एंड लाइट एंड हीट, कि रेंट जो है हम बिल्डिंग का रेंट तैयार कर, उस बिल्डिंग के अंदर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि रेंट एक इनडायरेक्ट मटेरियल है, लाइट एंड हीट वो भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटीरियल है, क्योंकि हमारे बिल्डिंग के अंदर लाइट यूज हो रही है, लाइट एंड हीट यूज हो रही है, गैस यूज हो रही है, लाइट यूज हो रही है, वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किसी किस्म की प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, वो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर हम ये देखेंगे हमारे पास ये जनरल एंटिटीज हैं, ये जनरल एंटिटीज जो हैं हम कॉस्ट साइकिल के अंदर, आज हमको मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि मटेरियल कॉस्ट क्या है।
तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखेंगे जब हम मटेरियल इशू करते हैं, जब हम मटेरियल परचेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे जब हमने मटेरियल परचेज किया किसी भी प्रोडक्शन के लिए, जब हम मटेरियल परचेज करते हैं तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, उस मटेरियल के अंदर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, फिर शिपिंग सप्लाइज भी उसके अंदर है। तो शिपिंग सप्लाइज भी डियर स्टूडेंट्स के अंदर है, डायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल और शिपिंग सप्लाइज है। तो जब हम परचेज करेंगे उसके लिए जो जर्नल एंट्री पास करेंगे डियर स्टूडेंट, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो डियर स्टूडेंट ये है कि हमारे पास मटीरियल डेबिट और वोचर पेबल क्रेडिट, मटीरियल डेबिट करेंगे और वोचर पेबल को हम डियर स्टूडेंट क्रेडिट करेंगे। ये हमारे पास पहली एंट्री है। उसके अंदर फिर ये देखेंगे दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री ये है कि हमारे पास जब हम रिटर्न मटेरियल, जब हमने जो डायरेक्ट मटेरियल लिया, इनडायरेक्ट मटेरियल लिया और शिपिंग सप्लाई जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई मटेरियल खराब है, उसके अंदर किसी किस्म के लीकेज है, वो हमारे स्टेटस का नहीं है, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फिर हम स्टूडेंट उसको हम वापस कर देते हैं, जो हमारा सप्लायर होता है हम उसको वापस कर देते हैं। जब हम वो मटेरियल नॉक्स मटेरियल जिसकी अंदर प्रॉब्लम है वो हमारे स्टेटस का नहीं है, जस्ट हम उसको रिटर्न कर देते हैं, सप्लायर को वापस कर देते हैं। तो फिर उसके लिए जो हम एंट्री पास करते हैं वो ये कहते हैं कि वोचर पेबल डेबिट और मटेरियल को क्रेडिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आगे देखें कि हमारे पास फिर हमारे पास थर्ड एंट्री आ जाती है कि ये होता है कि हमने रॉ मटीरियल इशू द रॉ मटीरियल टू द सप्लायर, हमने सप्लायर को मटेरियल इशू किया, सप्लायर को मटेरियल इशू किया, तो उसके अंदर हम जो एंट्री पास करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भी वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए जब हम मटेरियल इशू करते हैं किसी भी प्रोडक्शन वर्क के लिए, तो हम क्या करेंगे कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट दूसरी बात यह है, इसके अंदर हमारे पास जो आगे एंट्री है, आगे एंट्री डायरेक्ट एंट्री है कि जब हम मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल जब हम स्टोर से इशू करते हैं, स्टोर से जब मटेरियल इशू करते हैं स्टोर से, तो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे, तो फिर ये डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस मटेरियल हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल के लिए जब हम सप्लायर को इशू करते हैं स्टोर से, और फिर इसके बाद यह है कि जब इनडायरेक्ट मटीरियल हम स्टोर से इशू करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, तो फिर हम एंट्री जो पास करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास आगे जो है ये फाइव एंट्री जो है इसके लिए हम देखते हैं कि इशू ऑफ शिपिंग सप्लाईज फ्रॉम स्टोर, कि जब हम शिपिंग सप्लाई जो है स्टोर से इशू करेंगे एंड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, जब हम किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए मटेरियल इशू करेंगे, यानी कि जब हम शिपिंग सप्लाईज के लिए मटेरियल इशू करेंगे और फिर हम मटेरियल इशू करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, तो उसके जब हम एसेट के लिए मटेरियल इशू करेंगे स्टोर से, फिर हम जो जनरल एंट्री पास करते हैं उसके लिए ये होती है कि शिपिंग सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट और एसेट अकाउंट डेबिट और उसके साथ मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो ये मटेरियल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि जब हम ये मटेरियल हमने स्टोर से इश्यू किया, किसके लिए, शिपिंग सप्लाईज के लिए इशू किया है और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट के लिए इशू किया है, तो जब ये इस वहां से जो मटेरियल हमें रिटर्न होगा, जब हमें वापस होगा, तो उसके अंदर जो हम एंट्री करेंगे डियर स्टूडेंट, तो रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर, स्टोर के अंदर हम यहां से जब वापस मटेरियल करेंगे जो जनरल एंट्री पास होगी डियर स्टूडेंट, वो हम ये देखेंगे मटीरियल अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस मटीरियल क्रेडिट और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट और सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। लाजमी बात है कि जब हम स्टोर किया इशू करते हैं किसी भी सप्लायर को, उस पर हम इससे जब हम कुछ सेल कर रहे होते हैं उस पर सेलिंग एक्सपेंस भी चार्ज होते हैं, तो वो हमारे पास ये सेलिंग एक्सपेंस है। तो जब हम स्टोर से वहां से हम स्टोर में जब हमने वापस किया माल, तो एंट्री जो पास होगी मटीरियल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटीरियल क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट और सेलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करें। तो डियर स्टूडेंट फिर हम ये देखते हैं हमारे पास आगे एंट्री है कि हमने ये मटेरियल है, ये मटेरियल क्या है कि मटेरियल परचेज एंड डायरेक्टली सेंड
टू दी सप्लायर और दी प्रोडक्शन। किसके अंदर ये है कि मटेरियल सेंड, मटेरियल हमने मंगवाया, मटेरियल परचेज किया एंड डायरेक्टली सेंड टू दी प्रोडक्शन एंड नो इन्वेंट्री अकाउंट यूज, कि इन्वेंट्री अकाउंट हमने यूज नहीं की कि बैर से माल मंगवाया और बैर बैर से हमने सेंड कर दिया। अपने पास फैक्ट्री या स्टोर के अंदर हमारे पास माल नहीं आया, हमने बैर से मंगवाया और बैर उसको शिफ्ट कर दिया, तो ना ही हमारे फैक्ट्री के अंदर है ना हमारे स्टोर के अंदर माल आया, तो ना हमने इन्वेंट्री यूज किया है, यानी कि नो इन्वेंट्री अकाउंट यूज, हमने इन्वेंट्री अकाउंट यूज नहीं किया। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं वो ये पास करते हैं कि वर्क इन प्रोसेस मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल डेबिट, और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट, सेलिंग एक्सपेंसेस शिपिंग सप्लाइज ये डेबिट, और वाउचर पेपर को हम क्रेडिट करेंगे, ये वाउचर पेपर क्रेडिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारा मटेरियल है जब हमने डायरेक्ट लिया और डायरेक्ट बहर बहर हमने जहां जहां जरूरत थी जहां जहां सेंड करना था हमने उसको भेज दिया, कि कहां भेजा डायरेक्टली सेंड टू प्रोडक्शन एंड नो इन्वेंट्री अकाउंट यूज, हमने किसी के कोई इन्वेंट्री नहीं की क्योंकि हमारे पास स्टोर में नहीं है ना ही तो फैक्ट्री में माल है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे स्टोर हमने यूज नहीं किया, तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस मटीरियल डायरेक्ट मटीरियल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल इनडायरेक्ट मटीरियल डेबिट, और सेलिंग एक्सपेंस शिपिंग सप्लाई जो है वो हमारे पास डेबिट, और वाउचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये था हमारे पास मटीरियल कॉस्ट, हमने कॉस्ट साइकिल के अंदर डियर स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे कि मटीरियल कॉस्ट, कॉस्ट साइकिल के अंदर हमारे पास तीन किस्म कॉस्ट होती है, एक मटेरियल कॉस्ट होती है डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास पेरोल कॉस्ट होते हैं जिसे हम लेबर कॉस्ट कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवर कॉस्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक होता है कि इनडायरेक्ट मटीरियल, तो इनडायरेक्ट मटीरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो इंक्लूड इन द फैक्ट्री ओवर हेड, कि हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक तो इनडायरेक्ट मटीरियल है, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है, तो डियर स्टूडेंट उसको हम कहाँ शामिल करेंगे, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है, आपको पता है कि हमारे पास नील है एंड गिलो है, वो क्या होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी भी टेबल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं, और वो जो मटेरियल होता है वो डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं होता, ना ही उसको ट्रेस किया जाता है किसके लिए, मटेरियल के लिए खसूसी तौर पर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, और हमारा मेन मकसद जो है वो बेसिकली जो स्टूडेंट हैं हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझाना होता है, कि बच्चों को बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल जाए ताकि आने वाले क्लासेस में उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है मुझे कि मेरे लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और कमेंट्स में हमें लाजमी याद करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। डियर स्टूडेंट इसके लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।